ও বন্ধু, কেমন আছো সবাই? আজকা টপিক হে ফ্রি ফায়ার কেসে রিচার্জ কিয়া যাতা হে, মতলব কে ফ্রি ফায়ার কা ডায়মন্ড রিচার্জ কেসে করতে হে। তো বহুত সারে লোগো কো অভি পতা হে কে ফ্রি ফায়ার কা ডায়মন্ড রিচার্জ কেসে কিয়া যাতা হে, আর বহুত সারে লোগো কো অভি তক এ পতা নেই হে কে ফ্রি ফায়ার কেসে রিচার্জ কিয়া যাতা হে। তো বেসিক্যালি জিন লোগো কো পতা নেই হে ফ্রি ফায়ার কেসে রিচার্জ কিয়া যাতা হে, এ ভিডিও উন লোগো কে লিয়ে হে। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे वहाँ पे दिखाता है डिटेल्स में कि फ्री फायर कैसे रिचार्ज करते हैं। तो अभी हम लोग फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आएगा, फिर लोडिंग दिखा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फ्री फायर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पर डायमंड ज़ीरो दिखा रहा है और मेरा एक ऑफर चल रहा है, यहाँ पर टाइमर ऑन है इस बॉक्स करके। तो अभी हम बॉक्स के ऊपर टैप करेंगे, दिखा रहा है 10 रुपये का ये ऑफ़र है और यहाँ पे आपको मिलेगा 299 का डायमंड। तो 10 रुपये में टैप कर देंगे 10 के ऊपर। अभी आपका पेमेंट मेथड में आ जाएंगे, पेमेंट के पेज में आप पेमेंट बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग आ गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐड बैंक विथ भीम UPI ID और रिदिम कोड। तो मैं भीम UPI ID का यूज़ करने वाला हूँ, तो आप कोई भी UPI ID कर सकते हो। एग्जांपल तौर पे आपका नंबर अगर 0123456789910 हुआ तो फ़ोनपे का UPI ID कुछ इस तरह का आएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक का UPI ID कुछ इस तरह का आएगा और पेटीएम का UPI ID कुछ इस तरह का आएगा। ये सब फिक्स्ड है, इसी तरह का ही आता है। मैं भीम UPI ID विथ पेटीएम का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं अभी पेटीएम मेरा यहाँ पे पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। फिर आपका वन टैप बाय यहाँ इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसमें आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जीमेल का जो पासवर्ड है वहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जाएगा, तो आप वहाँ पे जीमेल का पासवर्ड दे दीजिए। देने के बाद यहाँ पे वेरीफाई का एक ऑप्शन है, वेरीफाई का ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले मैं पे जीमेल का पासकोड डाल के वेरीफाई कर देता हूँ। फिर वेरीफाई करने के बाद आपका कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग, मतलब कि कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग दिखाएगा। फिर एक टाइमर आएगा, 6 मिनट का टाइमर दिया जाएगा। फिर आप पेमेंट के पेज में चले जाइए, वहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ गया। मैं अभी पेटीएम का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है, तो अभी मैं इसको पे कर देता हूँ। पे करने के बाद प्रोसेसिंग दिखाएगा, प्रोसेसिंग के बाद आपको यहाँ पे पासकोड दिया जाएगा। पासकोड देने के बाद कुछ इस तरह का आपको आएगा। फिर पेमेंट पेज में आपका अगर प्रोसेसिंग, हाँ प्रोसेसिंग सक्सेसफुल हो गया, तो अभी फिर आप गरीना के वो फ्री फायर के पेज में चले जाइए। फिर वहाँ पर देखेंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है, अभी सक्सेसफुल परचेस, देन इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेसन, फिर इसको बॉक्स को ओपन करने के बाद ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपको जो जो मिलने वाला था 299 का डायमंड और कुछ सब वो मिल गया, फिर इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका 300 डायमंड ऐड हो चुका है, तो पेमेंट पूरा सक्सेसफुल और डायमंड भी आपको मिल गया है यहाँ पे। चलिए तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि फ्री फायर कैसे रिचार्ज किया जाता है। तो अभी आप अपना फ़ोन उठाइए और अपना फ़ोन से ही फ्री फायर रिचार्ज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।